नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि आज पूरा देश संकट में है। खुद केंद्र सरकार के मंत्री भी मान रहे हैं कि केवल शाह और तानाशाह नहीं मान रहे। इसके साथ तंवर ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ता तो कांग्रेस 4-5 लोकसभा सीट जरूर जीतती। उन्होंने कहा कि इनेलो जेजेपी में एक होने की चर्चाओं पर भी चुटकी ली। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर शनिवार को गांव चांक पहुंचे थे। वो वहां पर संत आश्रम में अपने धर्मगुरु रामानंद की 7वीं बरसी पर पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने संत आश्रम में पहुंचकर संतों से आशीर्वाद लिया और उपस्थित लोगों को धर्म शांति और भाईचारे की राह पर चलने की अपील की। वहीं आश्रम में पहुंचने पर मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज देश 70 साल के इतिहास में पहली बार संकट में है। आज देश की अर्थव्यवस्था, किसान, रोजगार व उद्योग बड़े ही संकट में हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब अर्थव्यवस्था की पटरी से नीचे लाने की सोच रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री भी देश के संकट और गलत हाथों में होने की बात मान चुके हैं। केवल देश को चलाने वाले और उनके सहयोगी शाह और तानाशाह ये बात मानने को तैयार नहीं है, इसके अलावा सभी लोग मानते हैं। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। Yes, sir.